देखिए हमने आपके चैनल को रिव्यू किया है और सेक्सुअल कंटेंट अपलोड किया है चैनल पर, ऐसा बोल रहे हैं। जबकि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। अब मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल YTR गगन। सो गाइज, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें कि एक बंदा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है गाइज। वो बंदा क्यों रो रहा है गाइज, इसका कारण ये है कि उसका एक यूट्यूब चैनल था बेस्ट हेल्प इन हिंदी, और जिसपे करीबन सब्सक्राइबर था 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर, और यूट्यूब ने उस चैनल को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ गाइज, यूट्यूब ने उस चैनल को डिलीट कर दिया है। आप में से बहुत से लोग अगर वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आपसे आप में से बहुत से लोग उस चैनल बेस्ट हेल्प इन हिंदी के सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आपको पता होगा गाइस कि वो चैनल अभी डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप अगर यूट्यूब पे जाके अभी लिखोगे बेस्ट हेल्प इन हिंदी तो वो चैनल आपको नहीं दिखेगा। तो गाइस, वो चैनल डिलीट क्यों हुआ है, उसका क्या रीज़न है, और आपको आगे जाके ऐसी क्या गलती नहीं करनी है जिसके कारण आपका यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं हो, यही सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर अगर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस जरूर करना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि ये भाई का एक चैनल था बेस्ट हेल्प इन हिंदी, जिस पर करीबन सब्सक्राइबर था 3.3 मिलियन, और यूट्यूब ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो गाइस, यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब कुछ भी स्ट्राइक देने से पहले या क्लेम देने से पहले एक ईमेल भेजता है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब ने इस बार क्या किया कि इस भाई का चैनल बिना ईमेल कुछ उसे ईमेल नहीं भेजा, उसका रीज़न नहीं दिया कि उसका चैनल क्यों डिलीट हो रहा है, और उसका चैनल डिलीट कर दिया। तो उस भाई को समझ में नहीं आया कि मेरा चैनल किस वजह से डिलीट हुआ है, और जब वो यूट्यूब वालों को मतलब ईमेल कर रहा था कि मेरा चैनल क्यों डिलीट हुआ है रीज़न दो, तो यूट्यूब वाले उसकी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि मनोज दे करके एक यूट्यूब चैनल है, उस भाई ने मनोज दे से बात करी, मनोज दे को बताया कि भाई मेरा चैनल सस्पेंड हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, यूट्यूब वालों से आप बात करके मुझे बताइएगा कि मेरा चैनल डिलीट क्यों हुआ है, रीज़न बताइए। तो मनोज दे ने ठीक बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मनोज दे ने क्या किया कि यूट्यूब वालों को मेल किया, और मेल करने के बाद उनसे पूछा कि जो बेस्ट हेल्प इन हिंदी है वो चैनल डिलीट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है। तो गाइस, जो उसका रीज़न था गाइस, वो रीज़न ये था कि तो यूट्यूब ने बताया कि यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है सेक्सुअल एंड न्यूरिटी, जिसको जिस पॉलिसी को इन्होंने वॉयलेट किया था, इस कारण से इनका चैनल को सस्पेंड किया गया है। तो गाइस, जब मनोज दे ने उस भाई को बोला कि भाई आपने सेक्सुअल एंड न्यूरिटी पॉलिसी को वॉयलेट किया है, और इसी रीज़न से आपका चैनल डिलीट हो चुका है, लेकिन वो भाई बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और यूट्यूब ने ऐसे ही डिलीट कर दिया मेरे चैनल को। अब गाइस, पता नहीं कि उस भाई ने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब कभी गलत नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। अगर उसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा तो गाइस यूट्यूब ने उस चैनल को सस्पेंड कर दिया है। गाइस, क्या है कि उस चैनल का आने का तो नहीं पता है कि वो चैनल आएगा या नहीं आएगा, इसका तो कुछ पता नहीं है। और गाइस, इस भाई की एक और गलती थी, और ये गलती अधिकतर बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं गाइस, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। इस भाई ने एक ऐसी गलती करी है जो कि बहुत बहुत से बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। तो इस भाई ने 4 साल से मेहनत करी है, और 4 साल से गाइस इसने अपने चैनल पर कभी अपना फेस दिखाया ही नहीं है, ठीक है। इसने कभी अपना फेस दिखाया नहीं है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उन्होंने वीडियोस बनाई है और कभी भी अपना फेस नहीं दिखाया। तो इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि इन्होंने अपना कभी फेस दिखाया नहीं है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है गाइस कि जब भी अगर आप वीडियो यूट्यूब पर आना चाहते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो, तो आपको आपका फेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर गाइस वो भाई अगर कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं दिखाता, कभी अपना फेस भी दिखा देता, तो गाइस उसके सब्सक्राइबर्स यूँ बढ़ जाते, ठीक है, सब्सक्राइबर्स उसके पास बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन उसने कभी अपना फेस दिखाया नहीं है, और अब गाइस उसने अपना फेस कभी दिखाया नहीं, जिस वजह से उसके जो सब्सक्राइबर्स है जो उसे पहचानेंगे नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी उसे फिर से मेहनत करने पड़ रही है, उसका एक अभी उसने अपना एक न्यू अकाउंट ओपन किया है, यूट्यूब अकाउंट ओपन किया है, जिसे आप सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है आगे लाइफ में कि अगर आपको यूट्यूब पर आना है तो आपको अपना फेस दिखाना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये गलती आपके साथ भी हो सकती है आगे जाके, ठीक है। हो सके गाइस तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उस भाई को लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने देख के रखा हुआ है, क्योंकि भाई लोग ऐसा है कि उस भाई का जो भी पूरा घर का मतलब पूरा घर उसे भी डिपेंड था, ठीक है गाइस। यूट्यूब मनी पे पूरा घर उसका डिपेंड था, जो भी घर का घर चलता था वो यूट्यूब के पैसों से चलता था, और अभी उसका चैनल सस्पेंड हो चुका है, तो गाइस उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो गाइस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, उसको चैनल को सपोर्ट चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। और गाइस हो सके तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइएगा, पास में जो बेल का आइकन है उसको दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।